उन्हीं को हमने नटेश्वरी कहा है। यदि भगवान शंकर शिव नटराज हैं तो जिनकी शक्ति से नटराज का जो पैर उठता है और एक भ्रमरी होती है जिससे कहते हैं बिग बैंग पश्चिम में, वो जिनकी शक्ति से होता है वो है नटेश्वरी। मातृशक्ति कहिए, स्त्री शक्ति कहिए, नारी शक्ति कहिए, शक्ति शब्द ही अपने में पर्याप्त है। इसीलिए हमारे जो विशेष सूत्र हैं उसमें मातृदेवो भव सबसे प्रथम है, उसके बाद पितृदेवो भव, तत्पश्चात गुरुदेवो भव और अतिथि देवो भव। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार संदेश दे रहे हैं दुनिया को, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा यानी पृथ्वी, वृथा है जो बृहद है, जो गुरु है वो है पृथ्वी, उसके अनेक पर्यायवाची नाम है जिसमें वसुधा, वसु ऐश्वर्य, धन धान्य कीर्ति, अष्ट वसु कहते हैं, अष्ट वसुओं से भरी पूरी ये वसुधा, ऐश्वर्य देने वाली ये पूरी जो हमारी पृथ्वी है वो एक परिवार की तरह है, चाहे उसमें मनुष्य जाति है, चाहे पशु पक्षी है, प्रकृति है, प्रकृति के अनेक स्वरूप हैं, ये सारा वसुधैव कुटुंबकम। ये विचार, ऐसे उदात्त विचार, अनेक ऐसे सूत्र हैं जो हमारे चतुर्वेद और 18 उपनिषद और 18 पुराण, 18 उपपुराण, ब्राह्मण, आर्यण्यक, तरह तरह के हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। मैं इसलिए इनका जिक्र कर रही हूं कि मात्र मातृशक्ति वंदना, और अभी हम लोगों ने संसद में पारित किया नारी शक्ति वंदना, जिससे कि 33% स्त्रियों को, नारियों को प्रत्येक क्षेत्र में जगह मिलेगी। लेकिन क्या आप इससे प्रसन्न हैं? सच बताइए, मैं नहीं हूं। मैं इसलिए नहीं हूं कि यदि आधे से अधिक हूं पर अधिकार से वंचित हूं। मैं एक स्त्री, मैं कहती हूं और कहती आई हूं और नृत्य में भी करती हूं, यही आधे से अधिक हूं पर अधिकार से वंचित हूं, सम्मुख हूं तुम्हारे। पुरुष अधिकार देता है क्या? मैं बाकी की बातों में आगे चलूंगी, लेकिन सबसे पहले एक सोच। यदि माता के उदर से जन्म लेता है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, तो अधिकार स्वयं अर्जित है, प्रकृति ने वो अधिकार दिया है। लेकिन यदि हम बार बार इसी का रटन करें कि
हमें ये करना है, हमें आज्ञा का पालन करना है, मैं सुन रही थी, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन कहीं कहीं मैं इन बातों से अलग हूं। अलग इसलिए मैं करती हूं कि सबसे पहले स्वधर्म को हमें जानना पड़ेगा। स्वधर्म, मेरा जन्म इस भव में क्यों हुआ, कारण क्या, मुझे क्या करना है, और उसे करने के लिए जैसे अनुराधा बहन ने कहा अभी कि उसे करने के लिए जो भी करना पड़े वो हम करेंगे। कहीं कहीं विरोध तो होता ही है। विरोध क्यों होता है? क्योंकि वहां अधिकार की बात आती है। हाउ टू नेविगेट, वो एक प्रश्न है। नदी है, प्रवाह है जीवन का, वो प्रवाहित होता रहता है। कहीं कहीं वो पहाड़ से मुड़ती हुई, वर्तुल लेती हुई आगे चलती है, अपनी नर्मदा मैया को ही देख लो, और कहीं कहीं मार्बल रॉक्स, भेड़ा घाट, सख्त पत्थरों को भी तोड़ती हुई आगे चलती है। ऐसा करना चरित्र निर्माण की बात होती है। माता अपने बालकों का चरित्र निर्माण करें, पिता भी करें, लेकिन सबसे पहली गुरु है माता, कि जो अपने उदर से ही अपने विचार और आदर्शों को उस कोख में डालती है। इसीलिए हमारे यहां गर्भ संस्कार होता है। 16 संस्कारों में गर्भ संस्कार बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मां जो सोचेगी वो उदात्तता, वो आदर्श, वो वैल्यू, वो सारा अंदर परिवर्तित होता जाएगा उस बालक। मैं अपनी बात कहूं, मुझे कई बार पूछा जाता है कि आप तो, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, पिता के पिताजी 4-5 बार गवर्नर रह चुके, जब मध्य प्रदेश नहीं था लेकिन ये सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिहार होता था 1947 में, भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रोविंस, नागपुर की राजधानी, तो वहां से निकल के मेरे माताजी, पिताजी उदय शंकर का नृत्य देखने गए थे। मेरी माताजी ने सोचा और मेरे पिताजी से कहा, उस वक्त वो गर्भवती थी, दूसरी बार मेरी बड़ी बहन एक थी, जो भी होगा बेटा या बेटी, मैं चाहती हूं कि वो ऐसा नृत्य करे। अब आप बताइए कि मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं था, माँ ने सोच लिया। उसके बाद ये होता है कि मुझे क्या करना है, वो एक होता है प्रारब्ध और दूसरा होता है पुरुषार्थ। दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारा कर्तव्य स्वयं उभर के आ जाता है। उसमें बहुत सोचना नहीं पड़ता है, एक रास्ता चुन लिया तो चुन लिया। एक साध है सब सधे, सब साध है सब जाए, ये कह रहे हैं बड़े संत कह रहे हैं। तो बालक का चरित्र निर्माण माता करती है, अच्छे भाव देती है, भरती है, अच्छे विचार भरती है, सबसे पहला शिक्षण वही देती है। यहां
स्त्री के जो अनेक स्वरूप हैं, बालिका, किशोरी, कन्या, उसके बाद विवाहिता, उसके बाद प्रौढ़ा, फिर माता स्वयं, तो एवरी स्टेज, प्रत्येक वय में उसकी एक अलग आभा होती है, उसकी एक अलग छटा होती है, उसका एक अलग कर्तव्य भी होता है। मैंने राज्यसभा में पढ़ा था इंटरनेशनल विमेंस डे है ना, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो मैंने कहा भाई ये तो ठीक नहीं है, इंटरनेशनल मेंस डे कब होगा, पुरुष के लिए भी तो एक दिन रखो कि 364 दिन पुरुष के और एक दिन महिला का, वाह वाह, मर्जी, बड़े हंसे सब लोग, लेकिन काफी लोगों ने उसका समर्थन किया, पुरुषों ने समर्थन किया प्रत्येक पार्टी के, क्योंकि विचारणीय है ये, विचार भारतवर्ष का नहीं है, पश्चिम सागर है। हमारा क्या है विचार, भारत की परंपरा में 365 के 65 दिन 24 घंटे 7 दिवस सारे माता को अर्पण है, सारे। फिर मैं मोदी जी का उदाहरण लेना चाहूंगी, आप लोगों ने देखा होगा अपनी माता हीरा बहन के लिए वो प्रत्येक माता के जन्मदिन पर पहुंचते थे, अपने जन्मदिन पर आशीर्वाद लेने पहुंचते थे, विदेश जाने के पहले पहुंचते थे, झुक के उनके आशीर्वाद लेते थे, माता का हाथ उनके सर पे होता था और आंखों में, नेत्रों में पल पल जल आता था। ये हमने कभी भूलना नहीं चाहिए कि कोई कितना ही बड़ा हो जाए, माता के सामने हमेशा शिशु रहेगा। अब आगे चलती हूँ कि मैंने राज्यसभा में तरह तरह की ऐसी बातें की हैं। एक मुझे 4 लाइन का मिल गया था अंग्रेजी में कि क्या क्या अपेक्षाएं नारी से समाज रखता है। एक, देखने में ब्यूटी क्वीन लगे, हा? दूसरा, घोड़े की तरह काम करे, लगी रहे। तीसरा, संत मुनियों की तरह आदर्शवादी हो, है? और चौथा, धरती की तरह सहनशील हो। हे भगवान, तो मैंने कहा व्हाट अबाउट मैन, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। ये राज्यसभा में ऐसे ही बोलती हूँ, ऐसे ही बोलती हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने और लगाया, एक हमारे श्लोक है कर्मेशु शयनेशु रंभा भोजनेशु माता, ये सब है। तो मैंने कहा कि पति कैसा होना चाहिए, कृष्ण जैसा प्रेमी, और भाई जैसा भ्रातृ, भर्ता नहीं, भर्ता यानी पति, भ्रातृ, भाई जैसा साथ में रहकर आश्वासन देने वाला, व्योम की तरह, आकाश की तरह बृहद, जैसे धरती वैसे वो आकाश, और इनका मिलन कहां होना चाहिए, इंद्रधनुष में, एक छोर से दूसरे छोर इंद्रधनुष जीवन में फैलते जाएं, ये होता है मेरा, मेरी कल्पना ये है। लोगों ने बहुत तालियां बजाई सांसदों ने। तो क्या है कि मातृशक्ति तो हम कहते हैं, मैं कहती हूं नारी शक्ति, स्त्री शक्ति। माता तो है लेकिन वो पहले स्त्री है, संधार देती स्त्री, जो गर्भ में संग्रह करती है
गर्भ में अणुओं का संग्रह करती है, विचारों का संग्रह करती है, ऊर्जा का संग्रह करती है, वो है स्त्री। महिला कौन है? जो महत है, महान है, उदात है, ये महिला है। तो हमें हमारे जो शब्द हैं, शब्दावली को भी हम यदि समझें तो बहुत कुछ हमारे विचार और बदलेंगे। हाड़ी रानी, इन्होंने इनका कहा, जौहर वगैरह पन्ना भाई का कहा कि जब महाराणा जसवंत सिंह अभी अभी विवाह हुआ था, अति सुंदर महारानी जो हाड़ी वंश की थी, वो युद्ध का समय आ गया, अचानक आक्रमण हुआ, ढोल बजे, नगाड़े बजे, दुंदुभी बजी और निकलो जल्दी, चलो घोड़े तैयार है। तो अंतपुर में गए, और ये सही घटना है, ऐतिहासिक है, अंतपुर में गए विदाई लेने। रानी ने हंसते हुए तिलक किया केसर मिश्रित और वारणा लिया, और उसके बाद क्या पधारुसा, वो पीछे देखते, मुड़ मुड़ के देखते हुए पैर भारी हो गए, गए बाहर, तो अभी तो तलवार बांध रहे हैं, तब बड़ा थाल सजा हुआ वो दासियां लेकर आई कि महारानी सामने भेजा है विदाई, जल्दी से खोला। हाड़ी रानी ने अपना मस्तक काट के रखा था थाल पे कि अब तुम मरो, जाओ जोहार करो, लेकिन हार के वापस मेरे पास आप नहीं आएंगे, मुझे भूल जाओ, अपनी धरती की रक्षा के लिए जाओ। हाड़ी रानी का कटा हुआ सर उन्होंने गले में बांधा और गए, हराया, लेकिन स्वयं भी वीर गति को प्राप्त हुए। क्या बात है, ये जो हम एक तरफ बलिदान की बातें करते हैं कि पुरुष में एक जुस्सा भरने का काम करती है महिला, स्त्री, माता, पत्नी, पुत्री, बहन, दूसरी तरफ वहीं से मीराबाई, हमारी कश्मीर की लल्लेश्वरी, दक्षिण की अक्क महादेवी, महाराष्ट्र की बहनाबाई, सखूबाई, मुक्ताबाई, और यहां पर आपकी रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई तो है, रानी दुर्गावती, रानी अबक्का, कितूर चन्नम्मा, में बता रही हूँ, कितूर चन्नम्मा, रानी बैतालो अभी नागालैंड की, अभी यानी अंग्रेज से उस वक्त की बात है, हमारे अभी इंडिपेंडेंस के पहले की बात है। तो चाहे वो संत कहें, चाहे आप वीर वीरांगना कहिए, चाहे समाज शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में क्या योगदान है। अभी इसरो का जो चंद्रयान गया नंबर दूसरा और नंबर तीसरा, वहां महिला वैज्ञानिकों का सर्वश्रेष्ठ योगदान रहा, आपने पढ़ा होगा। अब हमारी जल, थल, वायु सेना, कोस्ट गार्ड सभी में राफेल उड़ा रही हैं। अभी राफेल जो विमान फ्रांस से लिया गया है, लड़ाकू विमान, उसकी जोड़ नई दुनिया में मोदी साहब खरीद के ले आए, जो पहले नहीं खरीदे गए थे क्योंकि वो पैसे जेब में गए थे, पेट में। और क्या उसकी गति और क्या उसकी पहुंच और क्या उसकी मार्ग शक्ति, महिला उड़ा रही है, सोचा नहीं था किसी ने। अब महिला युद्धपोत की कमांडर बनी है नेवी में, तो चंद्रमा तो क्या सूर्य पे पहुंच जाएगी, सूर्य पे पहुंच जाएगी। सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, तेजो राशि है। तो महिला कहती है
बेटा आ जा मेरे पास आ जा, कहेगी आप देखना, आप देखिएगा कि हमारा सौर मंडल नाम क्या है, वीनस, नाम क्या है, पृथ्वी, अर्थ, ये प्लैनेट भी लगभग लगभग नारियों के पर्यायवाची शब्द है। मैं कुछ सिद्ध नहीं करना चाहती, मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि हमें कुछ कुछ जो हमारी भ्रांतियां हैं उसमें से निकलना पड़ेगा। पंचकन्या आपने शायद ना सुना हो, पंचकन्या हमारे यहां बहुत प्रसिद्ध है, अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी। वर्षों पहले पहली बार जब मैंने लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन किया दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पंचकन्या को लेकर, आई एम टॉकिंग ऑफ मैं 80 के दशक की बात कर रही हूँ, दूसरे दिन अटल जी का फोन आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, अरे हम तो ये श्लोक बचपन में बोलते थे, पहली बार देखा और इसमें इतनी कठिनाई है। अब वाजपेयी जी स्वयं इतने विद्वान, लेकिन जो मैं कहती हूँ रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना है, 20 बार पढ़ना है और 50 बार विद्वानों से पूछना है, ऐसे नहीं स्टेज पे चढ़ सकते। तो कौन है, लोगों ने कहा कि अरे ये तो मच मैरिड, मेनी टाइम मैरिड द्रौपदी, कुंती, कर्ण कैसे हुआ और पांडव में भी ये वो, तो लोगों ने वहां प्रश्न पूछे, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन था। तो हमें ये ही नहीं पता कि कन्या शब्द क्या है। हमारे यहां चार मेन विभाग हैं, देवी, सती, कुमारी, कन्या। कुमारी वो है जिसका विवाह नहीं हुआ है, सती अनुसूया, सती सीता, देवी तो देवी है, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती इत्यादि। अब ये कन्या शब्द क्या है, अभी तक तो लोग यही समझते हैं कि कन्या कुमारी, कन्या कुमारी, नो। कनक जैसे जो चमके बार बार अग्नि परीक्षा जीवन की, जिसमें से निकल के प्रखर कनक सोने की तरह जो चमकती है, वो कन्या। तो अहल्या के बारे में जो भ्रांति है कि वो तो पत्थर बन गई जी, और रामचंद्र जी ने पैर लगाया तो जीवित हो गई, हे भगवान। क्योंकि श्री वाल्मीकि का रामायण हम तो पढ़ते नहीं है, गौमुख नहीं जाएंगे और गंगा जी को हरिद्वार में देखेंगे या कानपुर में देखेंगे तो फर्क तो पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि क्या लिखते हैं, अहल्या ब्रह्मा की मानस पुत्री, स्वयं ब्रह्म ज्ञानी थी, लेकिन उनके पति ऋषि गौतम ब्रह्म ज्ञान अर्जित करने के लिए तपस्या करने चले जाते थे, ये स्वयं ब्रह्म ज्ञानी थी, अति सौंदर्यवती थी, लेकिन ऋषि को उनके लिए समय नहीं था, जो भी हो। तो जब इंद्र आए तो अहल्या को तो पता था ये कौन है, अंदर आए, प्रेम प्रसंग हुआ और फिर अहल्या ने कहा अब आप चाहिए। गौतम ऋषि आए हैं, उन्होंने देखा दूर से इंद्र को जाते, इंद्र को तो श्राप दिया, सहस्र नयन हो जाए तुम्हारे शरीर पे। अहल्या के साथ अपशब्द बोले। अभी की जो हमारी कुछ ऐसे विवाद होते हैं तो चाहे अपने आप को जला देती हैं, डिवोर्स कोर्ट में चली जाती हैं, तरह तरह के
अहल्या कौन थी? ब्रह्मज्ञानी। उन्होंने अपने आप को समेट लिया अपने अंदर और समाधिस्थ हो गई। कोई उत्तर नहीं, कोई कुछ नहीं, समाधिस्थ हो गई। जब ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण असुरों को मारकर उनके साथ मिथिला नगरी सीता स्वयंवर के लिए जा रहे थे, तो मार्ग में आते हुए आश्रमों में उनका परिचय कराते कराते मुनियों संतों का आशीर्वाद दिलवाते विश्वामित्र जी को ले जा रहे थे। जब यहां से निकले तो श्री राम पूछते हैं वाल्मीकि रामायण में कि गुरुवर, प्रश्न है कि इतना एक बड़ा आश्रम दिख रहा है लेकिन निर्जन, न कोई पशु, न कोई पक्षी, न कोई कुछ, ये क्यों? आप तो विश्वामित्र ने बताया कि वहां देखो, धूमे ना भी परितांगी दीप शिखा मिला, जैसे कि लौ होती है और उसके आसपास धूम्र होता है, वैसे वो दिख रहा है। कहा कि ये है देवी अहल्या, समाधि में बैठी है, जाओ तुम दोनों उनका चरण स्पर्श करो, ये लिखा हुआ है। दोनों गए और श्री राम ने जब उनके चरण का स्पर्श किया, उस नारायण स्पर्श से अहल्या समाधि से बाहर आई और देखा, ये तो ये कथा है। तो मैंने इसी पे संदेह किया था, मैंने पूछा था कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, वो क्या उनको कहा जाएगा कि ये अहल्या है शिला पैर लगाओ, तो लगाएंगे? आपको लगता है लगाएंगे ना? ऐसी कथाएं जो तारा की है, कौन सी तारा? फिर रामायण की तारा, तारयति इति तारा, जो आपका आपका भवसागर पार कराती है, वो है तारा। हमारी जो दश महाविद्याएं हैं उनमें तारा है। भगवती के जो दश स्वरूप हैं, मातंगी, भुवनेश्वरी, धूमावती, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, तारा, काली, षोडशी, तारयति इति तारा, और ये है रामायण की तारा, जिन्होंने लक्ष्मण को कहा, हाउ डेयर यू एंटर अंतपुर, मेरी परमिशन के बिना तुम कैसे चले आए, आउट। लक्ष्मण को कहने वाली और श्री राम को कहने वाली, जब वाली का वध हुआ तो तारा गई वहां और पूछा, कैसे किया तुमने ऐसा, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तब श्री राम ने उनको समझाया, बताया क्यों किया। तब तारा ने कहा, मान ली, अब चातुर्मास हो जाएगा, बारिश की मौसम खत्म होगी, हम आपको मदद करेंगे सीता जी की खोज में, सब जाएंगे। तारा वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर, शी वॉज द क्वीन मदर, उसने राज्य चलाया। तो ऐसी जो कथाएं, कुंती कौन थी? कुंती भोज राजा की पुत्री, प्रथा कौन थी? मंदोदरी ऋषि की, ऋषि कुल की कन्या, कन्या रावण की महारानी पटरानी, फिर भी कन्या, और बाद में विभीषण से उनका विवाह हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कन्याएं हमेशा के लिए शुद्ध हैं, पवित्र हैं, और हमारी द्रौपदी अग्नि से जन्मी, याज्ञ सेनी, कृष्णा, पांचाली, महाभारती,
मैं इसीलिए जिक्र करती हूँ कई कुछ जगह जहाँ मुझे लगता है कि इनके बारे में बताना यथार्थ होगा, यथोचित होगा, कि हमारे मन में बहुत भ्रांतियाँ हैं। हम अपने बिल्कुल जो भी चल रहा है NEP ना, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने शायद सुना हो, पूरा मोदी सरकार इसको ले आई है, यथा समय लाए हैं, और उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा एक बहुत महत्व का एक पूरा चरण है। मैं अभी जो मंडी गई थी, कल आई हूँ चंडीगढ़ होकर, मंडी IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में भी ये लागू हो गया है, और इनके इसके तहत आप चाहे मैथमेटिक्स कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, बायोलॉजी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, PhD की डबल भी, लेकिन आपको भारतीय ज्ञान परंपरा से बाकी के जो पहलू हैं उनको भी सीखना पड़ेगा। तो जो कहते हैं ना लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि ब्रेन है, क्योंकि कई बार लगता है कि ब्रेनलेस ब्रेन है, तो बाई तरफ का ब्रेन और दाई तरफ का ब्रेन। तो एक कहते हैं कि कलात्मक होता है, एक कहते हैं कि ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, दोनों का संगम यहां होता है, बैलेंसिंग। तो प्रत्येक व्यक्ति में ये गुण हैं, प्रत्येक व्यक्ति में ये प्रतिभा है, डॉर्मेंट है, हमें उसको जगाना पड़ता है। तो इससे ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा, उसमें ये सारी बातें अब आ रही हैं जो हमारे विद्यार्थी नहीं सीख पाते आज तक स्कूल में, कॉलेजेस में, हमारे पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में, पाठ्यक्रम में ये बातें नहीं आई हैं। तो भारत की परंपराएं इतनी विशिष्ट हैं, कभी कभी लगता है इतनी विचित्र हैं, हमें लगता है विचित्र है क्योंकि हमारे चूना लगा हुआ है, 800 वर्षों के इतिहास का चूना लगा हुआ है। एक अभी बहुत अच्छे वीडियो आ रहे हैं, आपने शायद देखा हो, चलन में है वीडियो, कि एक कॉलेज के स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भाई स्कूल के भी है कॉलेज के भी, ये औरंगजेब कौन था, बता दिया, औरंगजेब का बाप कौन था, बता दिया शाहजहां, उसका बाप कौन था, उसका बाप कौन था, उसका बाप कौन था, तो बाबर तक आए। पूछा कि श्री रामचंद्र कौन थे, हाँ वो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, अच्छा श्री रामचंद्र, उनके पिता, एक बोला दशरथ, उनके पिता कुछ बताइए, श्री कृष्ण के पिता, पालक पिता, पिता, नाना, दादा, हमें नहीं पता, सीता मैया के पिता, कहाँ से मिली, कैसे मिली, कौन थी वो, किस इनका अवतार थी, नहीं पता। तो इतना हमारे दिमाग पे चूना लगा हुआ है कि हमें अपने बारे में जानना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मातृशक्ति मात्र की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने मनीष जी को कहा कि भाई एक दिन युवा शक्ति, एक दिन ये शक्ति, एक दिन मातृशक्ति, ये जो डिविजन है मैं उनको नहीं मानती हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के देह में, शरीर में दोनों हॉर्मोन्स हैं, पुरुष के शरीर में फीमेल हॉर्मोन्स हैं, महिला स्त्री के शरीर में मेल हॉर्मोन्स हैं। जिसकी प्रबलता ज्यादा होती है वो वैसे आकृति बनती है, वैसे स्वभाव बनता है, वृत्ति बनती है, प्रकृति बनती है। लेकिन हम यदि वही करते जाएं कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये है, मैं कहती हूं कि रथ के दो पहिए हैं ना, रथ को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों चाहिए, बराबर बैलेंस, न ये ज्यादा न वो ज्यादा। मैं चाहूंगी
कि हम कई बातों को अब समझें, समझना शुरू करें, हम पूछें प्रश्न, अपने आप सोचें और कहीं भी किसी के दबाव में आकर कुछ कर लेना ऐसा क्यों करें वो पहले सोचें। इन्होंने अपनी बात कही, मैं अपनी बात बताती हूं कि नृत्य, सितार, कंठ्य संगीत, ये सब बम्बई में मेरा जन्म हुआ। गुजराती हूँ लेकिन पैन इंडियन, पूरे भारत की हूँ। तो स्कूल में भी था, गुजराती मीडियम स्कूल में गए, थैंक गॉड कॉन्वेंट में नहीं डाला। सारे उत्सव वहां पर शांति निकेतन से आए हुए चित्रकला के हमारे गुरु, वाराणसी से आए हुए भीमराव शास्त्री जी, वो संगीत के गुरु, सारंगी पे सिखाते थे, दिलरुबा पे, सॉरी ना सारंगी। ऐसे जहाँ टैगोर आए थे, गांधी जी आके गए, एनी बेसेंट आके गई, ऐसी स्कूल में मैं पढ़ी, बढ़ी। बैंगलोर में भी नृत्य सीखा, मेरे भरतनाट्यम के गुरु बैंगलोर में जब दादाजी गवर्नर बने तो वहाँ सीखा, मेरा अरंगेत्रम वहाँ हुआ 1961 में। ओके, मैं 1947 के पहले की जन्मी हुई हूँ। ओके, आई थिंक आई एम द ओल्डेस्ट वन हियर। आपकी उम्र क्या है? आपसे मैं 9 साल बड़ी हूँ। तो सब हुआ, लेकिन जब मैंने बीए खत्म किया बंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज में, जर्मन लिटरेचर ऑनर्स, सबसे पहली था गुजराती लिटरेचर ऑनर्स, खत्म हुआ। उसके बाद पूछा गया कि सोनल तुम क्या करना चाहती हो? मेरी बड़ी बहन ने तो ऑप्ट किया कि मैं विवाह कर लूंगी, बहुत अच्छे आ रहे थे प्रपोजल्स मेरे लिए, बहुत अच्छी प्रपोजल्स आ रही थी बड़े बड़े फैमिलीज की, ये कर लो वो कर लो ये कर लो, ना ना, ना क्या करना चाहती? तो मैंने कहा मुझे तो डांस गुजराती में डांस ही करना है, हमारे तो नृत्य स्वरूप है जब गुजराती का हिंदी में ही ओनली। शाम दादाजी, पिताजी, माताजी, मेरी माताजी का मुंह फड़फड़ाने लगी। तो दादाजी ने कहा सोनल बेटा वो भी कर लेना, यानी ए पण कर, पण यानी भी ऑल्सो। फासला जो हम दे देते हैं किसी को रिझाने के लिए, क्या है फासला? ऑल्सो एंड ओनली, वही और ये भी, बहुत बड़ा फासला है। वो फासला मुझे मान्य नहीं था। 2 दिन के अंदर मैंने स्कॉलरशिप के पैसे निकाले, बैंक से टिकट खरीदी विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन, उस वक्त छोटी गाड़ी जाती थी पूना तक, पूना से अभी पूना तक बड़ी गाड़ी ब्रॉडगेज, और पूना से मीरज होती हुई बैंगलोर छोटी गाड़ी। अकेली मेरा गाइड, स्काउट गाइड में थी, छोटी बैग और छोटा बिस्तरा होता था होल्ड ऑन, पता नहीं क्या लेके मैं गई। 3 बत्ती से बस में बैठ के ट्रेन में बैठी चली गई। रात को पहुंची बैंगलोर, पैदल रिक्शा में पहुंची गुरुजी के घर, ताला था, रात को 8:30 बजे बैठी उसमें। 1963 की बात है, वो लोग दोनों गुरु गुरु पत्नी फिल्म देखने गए थे, आए छोटी गाड़ी, प्रकाश में देखा कोई है, जल्दी उतरे गाड़ी, कौन है? सोनल, व्हाट आर यू डूइंग हियर? I simply said, sir, I ran away. मैं भाग गई हूँ, भाग के आई हूँ। दूसरे दिन उन्होंने कार किया। ये बाहर से जो कहानी मेरी शुरू हुई आज तक वो दौर यात्रा चल रही है। मैं नहीं मानती कि कोई मुझे कहे ये कर, मैं नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? मुझे ये स्वधर्म मिला है, स्वधर्म का ज्ञान मिला है, मेरी कला महान है, सरस्वती देवी का वरदान है, गुरुओं की परंपरा है, उसकी एक छोटी सी मैं भी कड़ी हूं।
इसको मैं नहीं छोड़ सकती। यही वो कला है, नटराज की कला है, नटेश्वरी की कला है, जो सृष्टि बनाती है। सृष्टि क्या है वो समझाती है, आपको बताती है। वैज्ञानिक बताते रहे, लेकिन जब हम बताते हैं नृत्य के द्वारा, संगीत के द्वारा, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी किस विध सोहण होए, गगन मंडल में सेज पिया की किस विध मिलन होए। इससे ज्यादा बड़ी फिलॉसफी कौन सी हो सकती है। मीरा तो प्रेम दीवानी, कबीरदास फलाने, ये सब ज्ञानी, हम तय करते हैं कि ये वो है, ये वो है। ये अधिकार हमें नहीं है। हर बात में जीवन दर्शन है, उनके जीवन का दर्शन ये। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने को जाके सिर मोर मुकुट मेरो परी सोई, शंख चक्र गदा पद्म कंठ माल। और मीरा क्या कहती है, तात मात बंधु भ्रात आप नान कोई, छाड़ गई कुल की कानी क्या करेगा कोई। मीरा ये भी है, वो भी है, गृहस्थाश्रम भी है, ये भी है। दोनों को, सभी चीजों को बराबर बैलेंस में रख के चलना, यही हमारी शक्ति है, नारी की शक्ति है, स्त्री की शक्ति है, बैलेंस में चलना। और जहां बैलेंस टिप होता है कि ये हावी हो गए, वो हावी हो गए, डिमांड्स बढ़ गए, तो किस तरीके से पेश आना, किस तरीके से उसको, इससे निपटना, ये शक्ति भी भगवती ने दी है। कैसे समझाना, कैसे बताना, ये नहीं कि चुप करके बैठ जाना, नहीं नहीं। स्वाभिमान, नारी का, स्त्री का स्वाभिमान सर्वोपरि है, ये हमेशा याद रखिएगा। आई एम नॉट सेइंग यू बिकम अ रेबेल, मैं तो थी रेबेल, अभी भी हूं, लेकिन स्वाभिमान से हटना नहीं है। स्वाभिमान है तो सब कुछ है, सर ऊंचा गगन में है, पैर जमीन पे है। वी आर द ट्री, हम वृक्ष हैं, हम वो वृक्ष हैं जिसके मूल खूब अंदर है, जड़ें, और जो आकाश को मिलता हुआ फल फूल देता है। पुष्प उसी पे खिलते हैं, फल उसी पे आते हैं, और जितने फल आते हैं उतनी स्त्री झुकती है, ग्रेसफुल है, ग्रेशियस है, उदार है, देने वाली है। लेकिन ये कतई कोई ना समझे कि लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, हमारा उसके प्रति कोई दायित्व नहीं है, ये कोई ना समझे। मुझे लगता है कि जो यहाँ भाई लोग बैठे हैं उनको मेरी बात शायद थोड़ी सी अटपटी लगे, तो लगे, मैं अटपटी बातें करने के लिए बहुत फेमस हूँ, और इन्हीं बातों से, चाहे हमारे पूज्य भागवत जी हों, हमारे दत्ता जी हों, कृष्ण गोपाल जी हों, इन सब से इसी तरीके की मेरी बातें चलती हैं। तो भागवत जी ने मुझे तो बुलाया नागपुर में कृष्ण नाट्य कथा करने के लिए, उन्होंने सब देखा। तो मेरा कहना ये है कि संतुलन, समरसता, सहभागिता, ये मात्र शब्द नहीं होने चाहिए, ये हमारे जीवन में प्रत्येक कर्म के क्षेत्र में हमें उतारना है, और इन्हीं बातों को अपने बच्चों को भी बताना है। जैसे अगेन मैं कहती हूँ कि आपने सुना मोदी जी का लाल किले पर जो भाषण था, कई भाषणों में उन्होंने कई बातें कही, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। जब उन्होंने टॉयलेट्स की बात की लाल किले की प्राचीर से, तो सब लोग कहे हाय ऐसा
हुए? किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी बात नहीं की है। महिलाओं का, स्त्री का, बहन बेटियों का दर्द उन्होंने समझा, बाकी किसी ने क्यों नहीं समझा। सैनिटरी पैड जो ऋतु चक्र है, जिसकी वजह से स्त्री जन्म दे सकती है, जीवन दाता है, उसके बारे में क्यों नहीं किसी ने सोचा। कुछ बातें जो सहम के रह जाती हैं, उनको प्रस्फुटित होना आवश्यक है। स्त्री के जो प्रॉब्लम्स हैं, स्त्री विशेष के, नारी जाति के, उनको कभी भी उद्गार नहीं मिलता तो स्त्री सहम के रह जाती है। उसको हम कहते हैं सहनशीलता? नहीं, नहीं, नो। सहनशीलता तो वो होती है कि जहां पति, ससुर, सास, परिवार, बेटा बेटी जो है, पूरा परिवार उसको कहता है कि तू कुछ नहीं है, सहन कर लिया उस वक्त, लेकिन समय आने पर बता दिया कि मैं कौन। सहनशीलता हुआ कि तुरंत फटाफट जवाब दे दिया, नहीं, सहन कर गई समय आने पर, और समय वो खुद चुनती है। स्त्री स्वयं समय को चुनती है, उस वक्त उद्गार निकलते हैं, कहती है देखो मैं कौन हूं, मैं हूं आज की कन्या, यहां हूं वहां हूं, वैसे तो करोड़ों में कहां हूं, मैं सोनल हूं, मैं सलमा हूं, मैं जौली हूं, मैं मौली हूं, मैं राधा राम प्यारी हूं, वतन की एक नारी हूं। ये पूरा जो मेरा एक कॉम्पोजिशन है कोरियोग्राफी, लेकिन अंत में तुम जैसे हो सृष्टि ने बनाया तुमको, वैसे मैं भी सृष्टि की बनाई हुई कृति हूं, तो मुझे सम्मान से देखो, आदर दो। तो मंगल पे भी चले जाओगे ना, तो वहां कोई स्त्री तो नहीं मिलेगी ना तुमको, मिलेगी, यही मेरे पास वापस आना पड़ेगा। इसीलिए समझ लो, सोच लो, यू हैव टू कम बैक टू मी ओनली। सो बी रिस्पेक्टफुल, बी लविंग, प्रेम, सौहार्द, शुचिता, पवित्रता, सहधर्मिता, ये सारा समझ लो। ये कौन बोल रहा है? कोई और भाषण के हाँ, अरे मैंने तो काफी अब कह दिया, काफी बहुत बोल दिया, कोई पूरी रात भी बोल सकते हैं। मैं तो नाट्य कथा करती हूँ, 2009 से नाट्य कथा, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, राधा कौन है। तो कृष्ण का नाम यदि आपने श्री के बिना लिया, श्री कृष्ण या राधा कृष्ण, तो कहते हैं कि कृष्ण आपकी बात नहीं मानते, नहीं सुनते। ये आपने सुना है? किसी ने सुना है? किसी ने नहीं सुना? सुना है तो बोलिए, जोर से बोलिए, सुना है। राधा कृष्ण, राधा गोविंद, राधा वल्लभ, राधा नाथ, राधा कांत, राधा मुकुंद, राधा वही है, कृष्ण के नाम बदलते हैं। क्या कहिएगा इसको, क्या कहिएगा? सोचने की बात है ना। तो अगेन, स्त्री आत्मा है और कोई परमात्मा है? नो, परमात्मा जो एक पराशक्ति है, उनका अंश प्रत्येक में है, हर चीज में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मात्र जड़ और चेतन का फर्क है, चेतना कितने अंश तक है, लेकिन चेतना सब में है, तभी तो पत्थर में से मूर्ति निकल के प्रस्फुटित होती आती है।
पत्थर में चेतना है, फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है, आरोपण होता है पत्थर जैसे, देखो जड़। लेकिन वही को, उसी को आप पूछते हैं तो स्त्री वही है कि जो पाषाण भी बन सकती है, दंड देना पड़ता है तो पाषाण बन सकती है, जीवन देना है तो लोक माता नदी बन सकती है। और वही वो स्त्री है जिसके चरण धोके यदि वो चरणामृत लिया जाए तो अमृत से आप अमर हो जाते हो, वो है देवी। हमारे स्त्री में देवत्व है, पुरुष में भी है, लेकिन फिर से कहती हूँ कि स्त्री, आपने कहा मातृशक्ति, तो स्त्री माता है, स्त्री जन्म देती है, जीवन दात्री है, प्रथम गुरु है, और वही दिव्यता है साक्षात। बहुत सुंदर अरेबिया में पुरानी कहावत है, किसी ने पूछा वेयर इज हेवन, अरबी में पूछा के स्वर्ग कहाँ है, तो संत ने उत्तर दिया माता के चरणों में, स्वर्ग माता के चरणों में। तो उसी का, मोदी जी का उदाहरण फिर से याद कराती हूँ कि यदि विश्व विख्यात, विश्व बंधु, विश्व मित्र, विश्व गुरु झुक के माता के चरणों में प्रणाम करके चरण धूली ले सकते हैं, पाद पूजा कर सकते हैं, माता का पैर धोके चरणामृत पी सकते हैं अंजलि भर के, तो माता कैसी होती है। और प्रत्येक स्त्री माता है, प्रत्येक पुरुष में भी माता का अंश है, मत भूलिएगा। आई हैव सीन लॉट ऑफ मेन हु आर वेरी ब्यूटिफुल, लविंग, सॉफ्ट। पुरुष को कड़ा होने की कोई जरूरत नहीं है, नो, दे आर वेरी नाइस। अभी मैं जिस विमान में आई फ्लाइट में, तो जो अनाउंस कर रहे थे क्या मधुर वाणी में बोल रहे थे, आप सबसे निवेदन है इस तरीके से। मैंने जाते जाते उसे कहा बहुत अच्छा लगा आपकी मधुर वाणी, आपका बोलना, भगवती आपको आशीर्वाद दें, आपका कल्याण हो। तो इतना खुश हो गया, पैर छूने लगा। मैंने कहा तो पुरुष में भी वो तत्व है। मैं यही कहूंगी अंत में, वही कहूंगी, क्या कहूंगी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। देव देवी में फर्क नहीं है, दिव्यता का ये पर्यायवाची है, त्वमेव सर्वम मम देव देव। और एक आखिरी सूत्र, पुराना वेद का सूत्र है, मया ही सर्वम जेतव्यम अहम जेयो न केनचित, मया ही सर्वम जेतव्यम, मेरे द्वारा ही सब जीता जाए, अहम जेयो न केनचित, मुझे जीतने वाला कोई नहीं, मेरे द्वारा ही सब जीता जाए, ये मेरी प्रार्थना है। हे ईश्वर, हे माँ, हे महादेवी, महामाया, पराशक्ति, सबका कल्याण हो। सर्वेषां स्वस्तिरस्तु, सर्वेषां शुभमस्तु, सर्वेषां पूर्णमस्तु, सर्वेषां मंगलमस्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति। नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन